हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज की इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत जो है सेक्शन 11 के बारे में। बेसिकली सेक्शन 11 क्या चीज़ डील करता है इसको हम देखेंगे, उसके इसेंशियल इन्ग्रेडियंट को देखेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, यदि आप मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। यदि आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हों या एपीयू की तैयारी करते हों या आप किसी लॉ के स्टूडेंट हों तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 11 किस चीज़ को डील करता है। सेक्शन 11 जो है प्ली ऑफ एलिवाई के बारे में बताता है, ठीक है। प्ली ऑफ एलिवाई क्या है? प्ली ऑफ एलिवाई जो है इसको हम एलिवाई का वचन कहते हैं, अभिवचन कहते हैं। प्ली ऑफ एलिवाई बेसिकली जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है, जो लैटिन शब्द के सबसे लिया गया है, जिसका मतलब है एल्सवेयर, ठीक है। यानी कि जिस बेसिकली जो है ये एक डिफेंस के तौर पर काम करता है जो किसी एक्यूज्ड को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम समझाना चाहेंगे कि बेसिकली मान लीजिए कि अगर कलकत्ता में जो है अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, और वो जो है वो ये बचाव एक्यूज ले सकता है कि वो उस समय नहीं था जिस समय उसका मर्डर हुआ है, ठीक है। तो ये बचाव ले सकता है कि उस दिन वो कलकत्ता में नहीं मुंबई में था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ उसी को प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? एक्यूज्ड के पास होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ दिखा सकता है कि वो अगर ये सिद्ध कर देगा कि वो जिस समय उसका मर्डर हुआ था वो मुंबई में था, कलकत्ता में नहीं था, यानी कि घटना स्थल पर भौतिक रूप से मौजूद नहीं था, तो वो जो है इसका सहारा ले सकता है, और इसी को प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। यानी कि जिस समय कोई घटना घटित हुई, जिस समय कोई अपराध कारित हुआ, उस समय अभियुक्त भौतिक रूप से उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, उस समय किसी अन्य जगह पर मौजूद था, और वो इसका भरपूर बचाव ले सकता है न्यायालय के समक्ष। इसी बचाव को, अभियुक्त के इसी डिफेंस को जो है प्ली ऑफ एलिवाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही बचाव जो है अभियुक्त को जो है मुक्ति प्रदान कर देगा, और इसी बचाव को जो है हम अभिवाक का अभिवचन या प्ली ऑफ एलिवाई के नाम से जानते हैं। यदि किसी अभियुक्त को एलिवाई का बचाव असफल हो जाता है तो ये कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा कि वो दोषी ही होगा, ठीक है। दोषी साबित करने के लिए जो है यह जो बर्डन है प्रूफ का वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, जो अभियोजन पक्ष है उसके ऊपर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि क्या इसके आवश्यक तत्व हैं प्ली ऑफ एलिवाई के बारे में। तो इसके जो है मुख्यतः मेनली 3 एसेंशियल एलिमेंट हैं। पहला नंबर, हु मे टेक प्ली ऑफ एलिवाई, यानी कि कौन जो है प्ली ऑफ एलिवाई ले सकता है। तो ये जो है बेसिकली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्ली ऑफ एलिवाई डिफेंस है किसके तरफ से, वो जो है एक्यूज्ड की ओर से, यानी कि प्ली ऑफ एलिवाई जो है अभियुक्त को प्राप्त है। दूसरा जो है एसेंशियल एलिमेंट जो है ये है कि एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ क्राइम वास कमिटेड, यानी कि एक ऐसा स्थल जहाँ पर जो है क्राइम घटित हुआ है, यानी कि अपराध घटित हुआ है, वहाँ पर जो है अभियुक्त पर जो है अपराध हुआ है उस स्थान पर जो है अभियुक्त जो है पहुँचने में असंभव था, ठीक है। तो ये था प्ली ऑफ एलिवाई पे पूरा लेक्चर्स, ठीक है। आई होप ये वीडियोज़ आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।